इसी को लेकर के नेता यहाँ है, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ है, विधायक दल के नेता हूँ, आपसे मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हमारे हमको कोई वैसी सूचना नहीं मिली है। लेकिन मदन मोहन झा कह रहे हैं कि टाइम लिया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से टाइम नहीं दिया गया है। नहीं, हम लोगों को कोई अभी तक ऐसी सूचना प्राप्त नहीं, उनकी अपनी बैठक होगी। बिहार सरकार का फरमान है। एक्शन भाई रुको ना यार, एमएलसी चुनाव क्या महागठबंधन एक साथ लड़ने जा रही है, ऐसे आप लोगों के बीच में नहीं, हम लोग बन गया है। हम लोगों ने तो पहले से ही प्रत्याशी जो है घोषणा हम लोग कर ही दिए हर जगह, जिसमें कि हमारे लेफ्ट पार्टियों के साथ जो है सहमति थी, और इसमें के साथ? नहीं नहीं, कांग्रेस के साथ तो हम लोगों का, हमने केंद्र में उनको सपोर्ट दे ही रखा है। बिहार में एमएलसी नहीं होगा? बिहार में अभी ऐसा कोई चुनाव नहीं है और ऐसी कोई पेशकश वैसे भी नहीं हुई। आप तो जान ही नहीं है कि जब बाई इलेक्शन बिहार का था तब हम लोग चाह रहे थे कि एमएलसी वाला और बाई इलेक्शन वाला जो है बात तय हो जाए, लेकिन अब उधर से क्या आया नहीं आया इस पे तो हम कुछ कहना नहीं मतलब चाहते। एमएलसी चुनाव में साथ आप नहीं लड़ेंगे? एमएलसी चुनाव अभी कड़वाहट तो एमएलसी चुनाव में बीजेपी को कितना सीट पे लड़ रहा है? 13 सीटों पर घोषणा कर दिया, 13 सीटों। नीतीश कुमार जी 11 सीट। तो भाई पहले क्या चल रहा था उन लोगों का? इक्वल सीट पे, इक्वल सीट तो वहाँ असली असली। और मुकेश जी को कितना मिला और मांझी जी को कितना मिला? बुलाइएगा महागठबंधन, मांझी जी को बुलाएंगे अपने? अरे भाई वो अलग बात है ना, बुलाएंगे। हम लोग का अपना बातचीत है, हम लोग अपना बात किए हैं। हम लोग भी पार्टी जो चाहती है कि हम लोग भले बोले, सर आखिरी सवाल, हम लोग तो बिहार गिन के चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ भी नहीं लड़े। तेजस्वी जी आखिरी सवाल है कि एमएलसी चुनाव में क्या सच में गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस और आरजेडी का, क्योंकि भ्रम ने पैदा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से चल जाए? नहीं नहीं, अब देखेंगे, तो राष्ट्र अध्यक्ष ही तय करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप समय मांगा गया, हम है कोई सूचना? हम तो बाकायदा कैमरा कह रहे हैं, ऑन द कैमरा कह रहे हैं कि आप लोगों से समय लिया गया, आप लोगों की तरफ से समय नहीं दिया गया उनको मिलने के लिए। अभी आए, हमको कोई सूचना नहीं है। किसको कितने सीटें बटेंगी ये तो राष्ट्र अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन हम लोगों ने पहले ही, हम लोगों का था, हमारी पार्टी का था कि एमएलसी का चुनाव जो है हम लोग अपने बलबूते पे लड़ेंगे। आरजेडी अपने बलबूते पे, आरजेडी अपने।